बसंत पंचमी पर शहर सहित जिले भर में शादियों की धूम रही। कई जगह सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, वहीं अन्य धार्मिक आयोजन भी हुए। शहर के आनंद नगर स्थित कपास मंडी में कहार माझी समाज के सामूहिक विवाह समारोह में 104 जोड़े तो धनगर भारूड समाज ने 35 जोड़ों का विवाह दामखेड़ा नाग मंदिर परिसर में संपन्न कराया गया। सभी जोड़ों को जन प्रतिनिधियों व कन्यादान योजना का लाभ देने के साथ ही समाज जनों ने भी उपहार स्वरूप गृहस्थी का सामान दिया। विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने भी आयोजनों में शामिल होकर वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परिवार के मुखिया की भांति जिम्मेदारी निभा रही है। इन आयोजनों में प्रदेश भर के जोड़े और हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। इसी तरह शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित महर्जा में राजपूत समाज के 9 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। विवाह आयोजनों के चलते दिन भर मेहमानों की आवाजाही बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। करीब 36 जोड़े थे और पांचों जिले से आए, पांचों जिले से 36 जोड़े आए। इस सामूहिक विवाह हमारा 9वां सामूहिक सम्मेलन है। ये निःशुल्क करते हैं हम, ये लोग मुख्य अंदर कन्यादान का लेते हैं, बाकी हमारा समाज पर पैसा है। पांचों जिलों से हमको मतलब चंदा मतलब मिलता है, मतलब निःशुल्क चंदे, किसी कन्या से किसी से लेते नहीं हम, उनकी इच्छा से जो भी देते हो ले लेते हैं। और भरपूर हमको सहयोग मिलता है पांचों जिला समाज से। इसमें बड़वानी जिले से, धार जिले से, इंदौर जिले से, खंडवा जिले से, खरगोन जिले से। क्या नाम लिखते हैं? गोपाल यादव पप्पू। सर, कहार माझी समाज खरगोन द्वारा जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन रखा गया है, इसमें खरगोन के आसपास के 5 जिले के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास है। और साथ साथ में सामूहिक विवाह सम्मेलन के साथ में ही परिचय सम्मेलन भी रखा गया है। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है और ये कार्यक्रम एक व्यवस्थित तरीके से अभी चल रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिल रहा है। 104 जोड़े सम्मिलित हुए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का जो लाभ मुख्यमंत्री द्वारा जो दिया जा रहा है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा, हम दिल से कहार माझी समाज उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, ताकि सभी बहनों को इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राशि जो प्राप्त होगी इससे उनका भला होगा, ऐसा प्रयास मुख्यमंत्री जी का हमारा बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। नरेंद्र वर्मा, कहार समाज अध्यक्ष, खरगोन। ये खरगोन जिले के आसपास के जोड़े हैं। 104 जोड़ों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह का लाभ मिल रहा है और कहार माझी समाज का ये प्रथम है और ये समाज में एक एकता का भी संदेश है और पूरे प्रदेश और देश में ये मैसेज जाएगा कि वास्तव में गरीबों को फायदा मिलना चाहिए और फिजूल के खर्चे बचना चाहिए। इसमें समाज की समृद्धि और सुखमृद्धि आएगी, इसको लेकर ये सामूहिक विवाह का आयोजन करा गया है और पूरे प्रदेश में मैसेज देना चाहते हैं कहार माझी समाज कि ऐसे आयोजन हर समाज में होना चाहिए और होते भी है। और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी का भी स्वागत और खरगोन के लोकप्रिय विधायक बालकृष्ण पाटीदार का भी स्वागत कि ये योजना का फायदा मिल रहा है। और सभी समाज जनों से निवेदन है कि हर साल ये समाज का आयोजन होता रहे ताकि फिजूल के जो खर्चे हैं ये समाज में प्रतिबिंबित हो। यही एक मैसेज के माध्यम से हम आप मीडिया के माध्यम से देना चाहते हैं कि समाज में एक मजबूत और शक्तिशाली समाज बने, ऐसा आपके माध्यम से सामूहिक विवाह के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं। मैं रवि वर्मा, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, जिला जिमी का दिन आज मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया और आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में बहुत बड़े पैमाने पर ये सामूहिक रूप से विवाह हो रहे हैं। ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ऐसी अद्भुत योजना है कि जिसने परिवार के मुखिया का बोझ ही हल्का कर दिया। पहले परिवार के मुखिया को ये सब जिम्मेवारी उठाना पड़ती है, आज मध्य प्रदेश सरकार क्योंकि ये सब कुछ कर रही है। कन्या विवाह के माध्यम से एक परिवार के मुखिया की भूमिका का निर्वहन कर रही है और इसके कारण समाज आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। आज के इस अवसर पर खरगोन में भी बड़ी संख्या में, पूरे जिले में भी हर जगह जगह सामूहिक विवाह हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी आज ये तीसरी स्थान पर आ रहा हूँ, एक जगह और जाना है मुझे चौथे स्थान। तो
अच्छा आनंद है और हम सब परमेश्वर से माँ विद्या की देवी माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि जी आज जैसा बसंत है ऐसे सबके जीवन में बसंत आए, सबका जीवन मंगलमय हो, खुशहाल हो। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।